अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लज़्ज़त दिल्ली चाय के किचन से लेकर आए हैं सीख कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस यमी बनते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाती है तो आज ही इसे ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दें। तो फिर बस देर किस बात की है, शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन का कीमा, 1/4 बटर ली है, 1 ग्रीन चिली ली है उसे फाइनली चॉप करा है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है उसे मैंने ग्रेट करा है मतलब कद्दूकस करा है, 1/2 चम्मच क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स ली हैं, 1 चम्मच लिया है बेसन, नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 लेमन का जूस लिया है, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच ही लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर। पहले चिकन का कीमा लेंगे और उसके अंदर हरी मिर्च और कद्दूकस करी हुई प्याज डालेंगे। इसके बाद एक एक करके सभी पाउडर्ड मसाले इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्पाइसी फूड लवर हैं तो आप इसकी क्वांटिटी, जैसे लाल मिर्च है, चाट मसाला और ग्रीन चिलीज की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे बटर और लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर लेमन जूस। बटर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके चिकन के कबाब बहुत ज़्यादा खुश्क बने हैं, ड्राई बने हैं, वो इसी वजह से होते हैं। तो अगर आपके पास बटर नहीं है, आप इस जगह 2 चम्मच ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। सभी को मिक्स करेंगे और चिकन सीख कबाब का मसाला मतलब कीमा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप अपना हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे या तो फिर पानी भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा पोषण लेकर कबाब का शेप देना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इसे लेंथ वाइज बढ़ाते रहना है। स्कीवर्स लेंगे, ये मैंने 5 से 7 स्कीवर्स एक साथ लिए हैं और इसके ऊपर मैंने कबाब को लगाना स्टार्ट करा है। मैं काफ़ी बार इस पर बना चुकी हूँ तो मुझे इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे स्कीवर्स लगाकर बनाएंगे तो आगे पीछे से आप थ्रेड से इसको टाई अप कर लें। आप कोई भी किचन टूल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जेंटली इसको निकाल कर दूसरी प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से बचे हुए सभी कीमे के हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 किलो कीमे में ये तकरीबन 8 से 10 कबाब बनकर आराम से रेडी हो जाएंगे। अब पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, उसे गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। एक एक करके कबाब डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल यूज़ करा है, आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। हाई फ्लेम पर आप करेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे सिक तो गए हैं लेकिन कबाब अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। 2-2 मिनट के बाद इसको हर साइड से टर्न करना शुरू करेंगे ताकि ये हर साइड से आराम से अच्छे से सिक जाएं। इस स्टेज पर अब आप इसको रेफ्रिजरेटर में एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखकर स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन आराम से। आप चाहें तो फिर बाद में इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हर साइड से टर्न करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। सच में घर में पूरी इतनी अच्छी सी खुशबू हो रही है, बहुत ही डिलीशियस बन रहे हैं। अब आप इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस से बाकी बचे हुए कबाब भी तैयार करेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर देने की। सर्व करने से 10 मिनट पहले कोयले को गर्म करेंगे, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं और इसको ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट तक। बहुत ही मॉइस्ट जूसी चिकन सीख कबाब बनकर रेडी हैं। अब आप इस पर बटर डालकर और चाट मसाला स्प्रिंकल करके ग्रीन चटनी के साथ एज एपेटाइज़र भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अल्लाह हाफिज़।